दर्स में इंशाअल्लाह अजीज हम लोग दूसरा बाब पढ़ेंगे जो अरकान हज और वाजिबात हज के ताल्लुक से है। अरकान हज और वाजिबात हज, रुकन और वाजिब के ताल्लुक से हम लोग इससे पहले पढ़े हैं। किसमें पढ़े हैं? किताब सियाम में भी, किताब सियाम में। तो अरकान अगर छूट जाए तो क्या होता है? इबादत की असल जाय हो जाती है। और फराइज अगर छूट जाते हैं तो, या वाजिबात छूटते हैं तो उसकी भरपाई मुमकिन है। उसकी भरपाई क्या होती है? वो मुमकिन है। यहां पर इस बाब के अंदर, इस चैप्टर के अंदर अरकान हज और वाजिबात हज के अंदर दो मसले बयान किए हैं और वो दोनों मसले हेडिंग ही से मुताल्लिक हैं। अरकान का एक मसला है, वाजिबात का दूसरा मसला है। पहला मसला है फी अरकानिल हज, हज के अरकान के बारे में। अरकान किसकी जमा है? रुकनी की। कहते हैं अरकानुल हज अरबा, हज के चार अरकान हैं। हम लोग उम्रे के अरकान पढ़े थे, कितने अरकान थे? तीन सिर्फ। इसके अरकान कितने हैं? चार अरकान हैं। पहला और इस तरीके से तीसरा जो तवाफ ज़ियारा करके, और चौथा तकरीबन वही है जो हमने कहा पढ़ा था उम्रा में। इसमें किस जायद है वो क्या है? अलवकूफ बे अरफा। अरफा के अंदर क्या करना? वकूफ करना। वरना उम्रे के अरकान अगर हमको याद हैं कि उम्रे में अमूमन एहराम, तवाफ, उसके बाद क्या था? सफा मरवा की सही। ये तीनों हज के अरकान है। और आखिरी जो हज का रुकन है वो क्या है? अलवकूफ बे अरफा। अरफा के मैदान में क्या करना? ठहरना। अरफा उम्रे से मुतालिक नहीं है, किससे मुतालिक है? हज से मुतालिक है। और वो कौन सा जमान है? वो कौन सी मिकात है? वो जमानी, मकानी। मैंने कहा जो है, और मकान जो है जमान से भी मुतालिक है हज का। 9 तारीख को जाएंगे तभी होगा, उसके अलावा अगर आप करेंगे तो वकूफ करके कोई फायदा नहीं। सिर्फ आप एक मैदान में वकूफ कर रहे हैं बस, इबादत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जवानी भी है और क्या है? मकानी भी है। तो पहला मसला हम देखेंगे फी अरकानिल हज, हज के अरकान के ताल्लुक से। अरकानुल हज अरबातुन हिया, अल अव्वल यानी रुकनुल अव्वल अल एहराम। पहला रुकन क्या है? एहराम है। वो हुआ नियतुल हज व कस्तुहु। एहराम है क्या? हज की नियत, हज का कस्त। आदमी या हाजी क्या करता है? एक खास लिबास में आ जाता है, मखसूस चीजों की मखसूस हालत में रहता है, और हज की नियत करता है, जबान से करता है, अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, अल्लाह मैं तेरे लिए हज करने के लिए क्या हूं? हाजिर हुआ हूं। لأن الحج عبادة محض, इसलिए कि हज एक खालिस इबादत है। क्या खालिस इबादत है? फला यसह बगैर नियत, तो बगैर नियत के क्या है? सही नहीं होगी। बेइजमाइल मुस्लिमीन, सारे मुसलमानों के इजमा के साथ। नियतें इबादतें किससे कबूल होती है? नियत के साथ। फअबुदिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, अल्लाह की इबादत कीजिए उसके लिए इताअत को खालिस करते हुए। इताअत खालिस कब होगी? जब नियत क्या होगी? खालिस होगी। वल असल फी ज़ालिका क़ौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस मामले में कि हज एक खालिस इबादत है तो इजमाउल मुस्लिमीन है कि उसके अंदर नियत जरूरी है। इसकी दलील क्या है? इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमल का दारोमदार किस पर है? नियतों पर है। والنیت محلها القلب, नियत की जगह क्या है? दिल है।
लाकिन अल अफ़ज़ल फिल हज अन्नुतुकु बिहा, लेकिन हज में उस नियत को उस कुर्बानी की तायीन करे अल्फाज में जिसकी वो नियत कर रहा है, अल्लाहुम लब्बैक उमरतन, अल्लाहुम लब्बैक हज्जन, या अल्लाहुम लब्बैक हज्जन व उमरतन, दोनों साथ में कर रहा है तू, तायीन करना क्या है, जरूरी है। कहते हैं लिसबूत ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم, ये नियत हम जबान से इसलिए करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज और उमरे की नियत किससे की है, जबान से की है, इसलिए करते हैं। रोजे की नियत जबान से साबित नहीं है, नमाज की नियत साबित नहीं है, जकात की नियत साबित नहीं है, और इबादत की नियत साबित नहीं है, महल्लुल कल्ब है ना, लेकिन हज की और उमरे की नियत क्या है, साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मीकात आए, मीकात में आपने गुस्ल किया, दो रकात नमाज पढ़ी, आपने एहराम बांधा, दो रकात नमाज अदा की, सवारी पर चले, सवार हुए, जब सवारी आपकी हरकत करने लगी तो आपने क्या कहा, अल्लाहुम लब्बैक उमरतन, अल्लाहुम लब्बैक हज्जन व उमरतन, जब आपने हज इकरार किया तो आपने कहा, और आपने क्या बताया, खुदू अन्नी मनासिकुकुम, जहां पर जिस तरह आपने किया वैसे किया जाएगा, जहां पर आपने दिल में रखा वहां पर दिल में, जहां पर आपने जबान से इजहार किया वहां पर जबान में। ये पहला मसला था, पहला रुकन था एहराम। हमारे यहां फर्क याद रखिएगा, अभी वाजिबात में आएगा, एहराम मुतलक, मुतलक एहराम ये अरकान में से, अरकान उमरा में से भी है, अरकान हज में से भी है, मुतलक एहराम। एहराम मिनल मीकात, ये किस में से, वाजिबात में से, एहराम नहीं माना मुतलक, चला गया वैसे मक्का, क्या छोड़ दिया उसने, मीकात छोड़ दिया, रुक्न छोड़ दिया, रुक्न छोड़ दिया, चला गया वैसे, जाकर हज कर रहा है, उमरा कर रहा है, हज उमरा कर लिया, वो एहराम नहीं माना है, हो जाएगा उसका, नहीं होगा, ठीक है, उसकी नियत थी, भूल गया वो, नहीं माना, या निकल गया नहीं माना, क्या करेगा वो, पॉसिबल है तो, पॉसिबल है, मुमकिन है, क्या करेगा वो, वापस आएगा मीकात पर, मीकात से फिर से एहराम बांधेगा, जाएगा जहां से वही एहराम बांध लेगा, क्योंकि एहराम रुकन है, एहराम जहां वहां क्या करेगा, बांध ले, वहीं से नियत कर लेगा, लेकिन चूंकि फर्ज छूट गया है, मीकात से बांध रहा था उसको, फर्ज छूट गया, बीच में से बांध रहा है, तो क्या करेगा, जाकर के एक बकरी क्या करेगा, वो जबा करेगा, और उसको खर्च कहां किया जाएगा, अला गुरबाई याला फुकराई मक्का, याला फुकराई हरम, हरम के फुकरा पर। ये बात ध्यान रखिएगा, एहराम और एहराम मिनल मीकात दोनों में फर्क है। जी सर, अगर एहराम ही नहीं पहनता है, मुतलक एहराम नहीं पहनता है, जाक वैसे हज करता है, वैसे उमरा करता है, तो उसका हज बातिल हो जाएगा, उसका उमरा क्या हो जाएगा, क्योंकि रुकन फौत है, लेकिन बाद में अगर वो बांध लेता है मीकात से गुजरने के बाद, तो वाजिब छोड़ा है उसने, और वाजिब छोड़ने में क्या करना होगा, उसको फिदिया देना होगा। दूसरा रुकन है अल वकूफ बी अरफा, वहुवा रुकन बिल इजमा, कहते हैं ये बिल इजमा क्या है, रुकन है, जो अरफा का वकूफ ना पाए वो उसका हज खत्म, अगले साल क्या करना पड़ेगा, अगर इस्तात है तो हज करना पड़ेगा। व दलील कौलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके दलील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, अल हज अरफा, हज क्या है, अरफा है, हज क्या है, अरफा का दिन है, अरफा का दिन, ये हज का ऐन दिन है, असल दिन है। वक्तुल वकूफ, और वकूफ का वक्त क्या है, मिन बाद ज़वाल यौम अरफा, 9 तारीख, 9 ज़िलहिज्जा, यौम अरफा के दिन, ज़वाल के बाद से लेकर के इला तुलू फज्र यौम नहर, यौम नहर के तुलुए फज्र तक है। हालांकि हज कब तक रुकता है, 9 तारीख को गुरूब शम्स तक रुकता है, गुरूब शम्स हो गया बगैर मगरिब पढ़े क्या करता है, वहां से कूच कर जाता है, निकल जाता है वहां से, कहां आता है वो, मुजदलफा के मैदान में आता है, मुजदलफा में आकर के चाहे इतनी रात हो जाए, मगरिब नहीं पढ़ना था रास्ते में उसको, कहीं कहां पढ़ना आकर के उसको, जवाब मैंने सलातेन करना है, मगरिब की 3 रकात, 2 रकात ईशा की, 1 रकात किसकी, वित्र पढ़ करके सो जाएगा,
कोई इबादत नफली नहीं है आदमी, ना तहज्जुद पढ़ना है ना कुछ करना है, कुछ नहीं करना, सो जाएगा वो, सुबह फजर में उठेगा टाइम से, फजर की नमाज बाजमात अदा करेगा मुमकिन है तो, नहीं तो तनहा अदा करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, दुआ में मसरूफ रहेगा, फिर इस पार होने के बाद मीना की तरफ क्या करेगा, वो कूच कर जाएगा, और आने के बाद मीना में क्या करेगा, जमरे कुबरा की, जमरे अकबा की क्या करेगा, वो रबी करेगा, फिर कुर्बानी करेगा, सर मुंडाएगा, तवाफे इफाजा करेगा, और अगर सही मैंने सफर मरवा नहीं किया तो वो भी करेगा। ये अब ये मुकम्मल तौर पर क्या होगा, वो हलाल होगा। यहां पर आप देख रहे हैं अल वकूफ़ बि अरफा, वकूफ़ अरफा कब तक, कब से है इसमें, जवाल के बाद से लेकर अरफा के दिन, अगर फजर यौमुन नहर के दिन जो फजर है, उठने वाली जो फजर है, पाने वाली फजर, उस तक अगर कोई आदमी अरफा में आकर ठहर जाता है तो उसका हज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक आदमी अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, हाँपते कांपते आया, मीना में मुलाकात किया, कहा कि अल्लाह रसूल मेरा हज हुआ, कहा क्या क्या तुमने, कहा अल्लाह रसूल कोई भी मैदान मुझको नहीं मिला, मैंने वहां वकूफ किया है, कहा अरफा में, बोले हाँ वहां पर हुआ है, तो रात में वकूफ किया था उसने। आपने कहा जो शख्स जवाल के बाद से लेकर के तुलुए फजर से पहले पहले अरफा पहुंच गया और वहां थोड़ा देर में वकूफ कर लिया, उसका हज क्या है, माना जाएगा, उसका हज माना जाएगा और उसका उसका ये रुकन जो है मुकम्मल हो जाएगा। ये किसके लिए है, माजूरीन के लिए है ना, वकूफ ठहरना, अरफा में ठहरा जाता है, जाकर के रुका जाता है, ये माना होता है वकूफ में ठहरना। अगर आदमी जानबूझ करके जो है मौखर करता है तो दिल में नहीं जाता नौ तारीख को, वो फजर के पहले जाता है वहां पर, फिर आता है मुज़दलिफा में फजर पड़ता है और निकल आता है, जाहिर सी बात है क्या करेगा, उसका भी हज हो जाएगा, लेकिन वो फराइज को क्या करेगा, तर्क कर देगा। फर्ज क्या है कि आप क्या करें, जवाल के बाद से लेकर के मगरिब तक क्या करें, अरफा में ठहरे रहे, लेकिन आप अगर अहले आजार में से हैं तो जवाल के बाद से लेकर के फजर तक, दसवीं की फजर तक किसी भी वक्त मामूली वकूफ भी क्या हो जाएगा, उसका काफी हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, मरीज जो होते हैं, हाथ टूट गए, पाँव टूट गए, नहीं ठहर सकते हैं, वसाइल नहीं है, तो उनको गाड़ियों से लेकर जाते हैं, आधा आधा घंटा उनको रोकते, थोड़ा दुआ हुआ कर लो किसी भी टाइम, है ना, जोर के बाद से लेकर के फजर के पहले पहले तक। अरफा में जो सही तरीका है, उसका जो सही वक्त है, जवाल के पहले अगर कोई गया है तो ठहरा रहे वहां पर, वरना सुन्नत यह है कि जवाल के बाद वहां पर मुंतकिल हो, वहां पर जमा बहन सलातेन करेगा, जोहर भी पढ़ेगा उसी के साथ, किसको पढ़ेगा, असर पढ़ेगा, कसरन पढ़ेगा, दो रकात जोहर, दो रकात असर, उसके बाद में जिक्रो अस्कार में, दुआओं में, तलबिया में, है ना, और इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं, अपने लिए मखसूस दुआओं में वो मसरूफ रहेगा, कब तक, गुरूबे शम्स तक। ये मैं इबादत वहां की दुआएं है, जिक्र अस्कार है, तलबियात है, तकबीरात है, यही सब है वहां पर, ये सब करता रहेगा, फिर गुरु शम्स के बाद क्या करेगा, वहां से वो निकल जाएगा। ये गुरु शम्स के बाद ही निकलना है, लेकिन अगर कोई पहले निकल जाता है तो एक फरीदा छोड़ रहा है। कोई आदमी बाद में आता है गुरु शम्स के बाद अरफा आता है तो उसका हज क्या हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा, कब तक, अगर वो फजर के पहले पहले, दसवीं तारीख की फजर के पहले पहले पहुंच जाता है तो, है ना। तीसरा रुकन है तवाफुज जियारा, तवाफुज जियारा, जियारत का तवाफ, तवाफ जियारत क्या है, वयुसम्मा तवाफुल इफादा, इसका नाम क्या रखा जाता है, तवाफ इफादा, लिअन्नहु यकूनु बादल इफादति मिन अरफा, इसलिए कि अरफा से लौटने के बाद होता है, सुम्मा अफीजु मिन हैसु अफादन नास, कुरान ने कहा है, मुश्रिकीन को खिताब किया है, तुम लोग भी वहीं से कूच करो, वहीं से निकलो जहां से लोग निकलते हैं, कूच करते हैं, यानी मुश्किन क्या कहते थे, हम लोग खालिस लोग हैं, पेवर लोग हैं, ब्राह्मण है ना, कहते थे हमको अरफा जाने की जरूरत नहीं है, वो जाते थे मुज़दलिफा में क़याम करते थे मशर हराम में, फिर वहां वापस चले जाते थे, अरफा नहीं जाते थे, अपने आप को क्या समझते थे, ब्राह्मण कौम का, है ना, झूठ थे उनके लिए, कंसेशन था। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा अल हज अरफ, बोले ब्राह्मण तुम्हारी खत्म आज से,
अरफा नहीं जाओगे हज ही नहीं होगा। दूसरा क्या अल्लाह ने कुरान कहा, सुम हफीज हो बिना तुम अफाद अन्नास, जहां लोग जाते हैं वहां जाओगे तब हज होगा। इसीलिए इसको तवाफे इफादा को तवाफ करेंगे, इसको क्या कहते हैं तवाफे इफादा। और तो पहला तवाफ होता आने के बाद क्या कहते हैं उसको तवाफे कुदूम, क्या कहते हैं तवाफे कुदूम। कहते हैं तवाफु ज़ियारा वो सबा तवाफु इफादा لانه يكون بعد الافاضه من عرفه इसलिए के तवाफ कब होता है अरफा से लौटने के बाद। वो सबा तवाफुल फर्द, इसको क्या कहा जाता है तवाफुल फर्द भी कहा जाता है। वो हुआ रुकनुन बिल इजमा, ये भी क्या है बिल इजमा ही। तआला ثم يقضوا تفسحوا ويوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ثم يقضوا تفسحهم, फिर चाहिए कि क्या करें वो ثم يقضوا تفسحهم وليوفوا نذورهم, फिर चाहिए कि वो अपने तफस का माना क्या करेंगे हम यहां पर जो है चाहिए कि अपने नजरों को क्या करें वो पूरा करें। वलियत तवफू बिल बैतिल अतीक, और किसका तवाफ करें पुराने घर का, यानी पुराना घर कौन सा है पर बैतुल्लाह। एक मिनट यहां मैं देख लेता हूँ तफस का सही माना क्या कर सकते हैं हम लोग जो है तफस हूं। तफस माने होता है गंदगी। सुमल यकू तफस मुराद यहां पर क्या है, फिर चाहिए कि वो अपनी गंदगी को पूरी करे। मुराद जो है हलाल होकर के अपनी गंदगियों को क्या करें वो पाक साफ कर लें। हलाल होकर के कैसे, यानी जब मीना में आ जाए, मीना में आने के बाद जमरात की रमी कर लें, कुर्बानी कर लें, अपने बाल को मुड़ा लें, जायद बालों को साफ कर लें, नहा धुल लें, है ना, सिले हुए कपड़े पहन सकते हैं उसको पहन लें। जा रहे हैं वहां पर एसी गाड़ियों में जा रहे हैं, सुकून से आ रहे हैं जा रहे हैं, साफ शफाफ है, ऐसा नहीं था। हवाएं चलती थी और क्या बोलते हैं गर्दो गुवार उड़ते थे, सारी हवाएं चलती थी, लोग रेत में ढक जाते थे, है ना। तो अल्लाह ने क्या कहा सुमल यफ्तु तफसु, क्या करें अपनी गंदगियों को वो पूरी कर ले, साफ सुथरी कर ले। वलियफ्तु वलियुफु नुज़ूरहु, अपनी नजरों को क्या कर ले वो पूरी कर ले। इसके बाद क्या करना है, वलियतवफु बिल बैतिल अतीक, पुराने घर का क्या करें वो तवाफ कर ले। उसके बाद में ये आप देखेंगे इस पॉइंट में तवाफे ज़ियारा तवाफे इफाजा दोनों एक ही, आप तवाफे ज़ियारा कहें या तवाफे इफाजा कहें। अस्सयु बैन सफा वल मरवा, सफा मरवा के दरमियान क्या करना, सही करना, सही यानी दौड़ना, पूरा दौड़ना नहीं होता है, दौड़ना सिर्फ नशीबी इलाके में होता है जो ढलान का इलाका है वही दौड़ना होता है, बकिया उतार में हल्का और फिर चढ़ान में दौड़ना नहीं, नशेबी इलाके में दौड़ना। क्यों, क्योंकि माई हजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा किस में दौड़ी थी, उस नशेबी इलाके में, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इलाके में दौड़ने को क्या किया है मसनून करा दिया। लेकिन पूरे चलने को क्या कहा जाता है, सही कहा जाता है, उसको तवाफ भी कहा जाता है, तवाफ बैन सफा वल मरवा या सही बैन सफा वल मरवा। तवाफ का एक माना होता है जहां से शुरू किया जाए वहां खत्म किया जाए, लेकिन सही में ये नहीं है। अगर कोई कहता तवाफ मैंने सफर करना सही है लगता है, लेकिन तवाफ तो करेगा वो, लेकिन चक्कर कहां पूरा होगा, सफा से शुरू करेगा मरवा जाएगा एक हो जाएगा उसका, फिर मरवा से सफा आएगा क्या हो जाएगा दूसरा चक्कर उसका कम, ऐसा नहीं है कि सफा से सफा तक चक्कर होगा, वरना कितने चक्कर हो जाएंगे 14। शुरू होगा आपका सफा से, खत्म कहां हो जाएगा आपका सातवां चक्कर आपका मरवा पर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। सफा मरवा की क्या करना, सही करना। वो हुआ रुकनुन, और ये क्या है रुकन है। ले हदीस आयशा رضی اللہ تعالی عنها قالت ما اتم الله حج امرء ولا عمرته, अल्लाह किसी आदमी का हज और उमरा मुकम्मल ना करे, لم يتم بين الصفا والمروه, जो सफा मरवा की सही ना करता हो उसका तवाफ ना करता हो।
وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم الصحيح صحيح کرو. اللہ یہ ارکان مکمل نہیں ہوں گے مگر انہی کے ذریعے. فمن ترک رکنا منها لم يتم حجه, اگر اس میں سے کوئی بھی ایک رکن آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کا حج کیا ہوگا؟ مکمل نہیں ہوگا. جس نے بھی کوئی ایک رکن ان ارکان میں سے چھوڑ دیا اس کا حج مکمل, گویا ارکان چھوڑ دینے سے حج باطل ہو جاتا ہے, مکمل نہیں ہوتا ہے. حتی یأتی بها, یہاں تک کہ اس کو انجام دے لے. اس کو کیا ہے؟ انجام دے لے. دوسرا مسئلہ ہے ہمارے یہاں, جی بولیے. عرفات کے بعد مزدلفہ جانا ہے یا پھر عبادہ کرنا ہے؟ عرفات کے بعد مزدلفہ آنا ہے. مزدلفہ میں مبیت ہے, مبیت مزدلفہ کہا جاتا ہے, رات گزارنا ہے. اس کے بعد میں پھر وہاں سے مشعر حرام آنا, وہاں کیا ہوتا ہے, منیٰ آنا ہے 10 تاریخ کی صبح. کب؟ روشنی ہونے کے بعد, اس بار کے بعد 10 تاریخ کو فجر کے بعد وہاں سے نکلیں گے. ہاں, فجر کے بعد, روشنی ہونے کے بعد, روشنی ہونے کے بعد, ہاں, اس بار کے بعد, اس بار کے بعد مزدلفہ سے منیٰ کے لیے کچھ کرنا ہے. المسألۃ الثانیۃ واجبات الحج, حج کے واجبات. ابھی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ارکان. الاحرام من المیقات المعتبر له شرعا, اس میقات سے احرام باندھنا جو شرعاً اس کے لیے معتبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ مدینے سے جا رہا ہے اور وہ چھوڑ دے کس کو؟ ذوالحلیفہ کو, کہ نہیں نہیں میں ابھی احرام نہیں باندھنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں 2-4 گھنٹہ فری رہوں, اور وہ پھر مکہ سے پہلے پہلے رابط نکل جائے جو جوفا کی میقات ہے, وہاں نکل جائے, کہے میں قریب میقات میں آج باندھ لوں گا, نہیں چلے گا. آپ کو اس میقات سے باندھنا ہے جو میقات آپ کے لیے کیا شرعاً معتبر ہے, ہے نا, یہ دھیان رکھیے گا. المعتبر لہو شرعاً, اور احرام مطلب میقات سے باندھنا, یہ ضرور رکھیے گا. واجبات میں الاحرام من المیقات المعتبر لہو شرعاً, ہے نا. دوسرا وجوب میں کیا ہے؟ الوقوف بعرفہ الی اللیل لمن اتاہا نہارا, ہے نا. کہتے ہیں عرفہ میں وقوف رات تک اس کے لیے جو اس میں, عرفہ میں کب آ جاتا ہے؟ دن میں آ جاتا ہے, دن میں کبھی بھی آپ پہنچے ہیں, زہر میں پہنچے ہو, عصر میں پہنچے ہو, غروب شمس سے پہلے پہنچے ہو, تو رات تک کیا کرنا آپ کو؟ ٹھہرنا ہے. لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف الى الغروب کما سیاتی فی صفت حجتہ, جیسے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف کیا اور آپ نے کیا اعلان کیا؟ خذو انی مناسک, آپ نے کہا مناسک حج مسلم, ہے نا. تیسرا واجب کیا ہے؟ المبیت بمزدلفہ لیلۃ النہر, یوم النہر کی رات. ہمارے ہاں چاند کی تاریخ کب شروع ہوتی ہے؟ شام سے, غروب شمس ہوا چاند کی تاریخ شروع ہوئی. تو جو مزدلفہ کی رات ہے یا جو کوچ کرنے کی رات ہے عرفہ سے مزدلفہ آنے کی, وہ رات کون سی ہے؟ حقیقت میں یوم النہر کی رات ہے, 10 تاریخ کی رات ہے, ہے نا. وہ 9 کی رات نہیں کہلائے گی, کس کی کہلائے گی؟ وہ 10 رات کہلائے گی. تو مزدلفہ میں لیلت النہر کو کیا کرنا؟ رات گزارنا. کب تک؟ الی منتصف اللیل, آدھی رات تک. ان وافاہ قبلہ, اگر آدھی رات کے پہلے پہنچ گیا ہے تو, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے یا آپ نے ایسا حکم بھی دیا ہے. آپ نے کیا کیا؟ جو معذورین تھے آپ نے کیا کیا ان کو؟ آدھی رات کے بعد فجر کے پہلے پہلے کیا کیا ان کو؟ منیٰ بھیج دیا, کہا جاؤ. تو سوال ہوتا ہے کہ مزدلفہ میں اگر تھوڑا بھی مبیت ہو گیا, معذورین کے لیے خاص طور پر, اہل آزار کے لیے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, تھوڑا ٹھہرنا بھی کیا ہوگا, وہ مبیت مزدلفہ کے لیے کافی ہوگا. بولیے. عرفات میں مغرب تک رکنا ہی, جو دن میں پہنچا اس کو مغرب تک رکنا ہے. چوتھا ہے المبیت بمینا لیالی ایام تشریق, ایام تشریق کی راتوں میں مینا میں کیا کرنا؟ رات گزارنا. مینا میں رات گزارنا. ایام تشریق کیا کیا ہے؟ 10 تو نکل گئی, 11, 12, 13,
तेरहवीं के बारे में ये बस कुरान ने जिक्र किया है, फमन तअज्जल फी यौमैनि फला इस्मा अलैहि वमन तअख्खर, रवि रात को वकूफ कर लेता है दसवीं गुजारने के बाद, बारहवीं की रात यानी ग्यारहवीं गुजारने के बाद वकूफ कर लेता है मीना में, तो उसके लिए काफी हो जाएगा। लेकिन उसके लिए शर्त है कि गुरूबे शम्स से पहले पहले मीना को छोड़ दे, गुरूबे शम्स से पहले पहले मीना को छोड़ दे। अगर उसका हुदूदे मीना में गुरूबे शम्स हो जाता है तो क्या करना पड़ेगा उसको, तेरहवीं की रात भी क्या करना पड़ेगा, कयाम करना पड़ेगा। और अगर मुखालफत करता है तो क्या करना पड़ेगा, उसको फिदिया देना पड़ेगा। अगर जा ही रहा है तो एक फिदिया देकर के क्या होगा, वो जा सकता है, या अपने बाद वालों को पाबंदी कर देगा कि कल मेरा फिदिया दे देना। ग्यारह तारीख को, नहीं सॉरी, बारह तारीख को मगरिब से पहले पहले, हाँ मीना के दिन, मीना से निकलना है। तो असल तीन रातें क्या है मीना में, दसवीं रात गुजरने के बाद ग्यारहवीं रात आ जाती है, ग्यारहवीं की रात, बारहवीं की रात, तेरहवीं की रात, तीन रात गुजारना है। लेकिन हुज्जा कितना ठहरते हैं, सिर्फ दो ही ठहरते हैं, क्यों, अल्लाह ने छूट दिए, फला इस्माल है, दो दिन में जल्दी करके चला गया तो कोई हर्ज की बात नहीं, फला इस्माल है, तीन दिन भी अगर करे तो कोई दिक्कत नहीं है। शर्त क्या है, अल्लाह का तक्वा उसके दिल में रहना चाहिए, ये नहीं कि नहीं आप कौन रुकेगा, कोई अहमियत नहीं इसके, इसे नहीं अहमियत है, लेकिन मुझे जाना है, सफर करना है, निकलना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां पर आप जो है क्या बोलते हैं, मबीत बेमीना लयाल या अय्याम तशरीक, अय्याम तशरीक की रातों में मीना में क़याम करना, ये क्या है, वाजिबात में से है, है ना, वाजिबात में से, अरकान में से क्यों नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीजों की खिदमत करते हैं उनको छूट दी है, जो हाजियों के पानी का इंतजाम करते हैं उनको छूट दिए, मीना में रहे चाहे ना रहे, जब कुछ लोगों को छूट है तो ये वाजिबात में से उन लोगों के लिए जो इस्तेदाद रखते हैं, समझ रहे। रमियुल जमराती मुरत्तबन, जमरात की तरतीब से रमी करना, दसवीं तारीख को सिर्फ जमरे अकबा की रमी होगी, जमरे कुबरा की रमी, जिसको बड़ा शैतान कहते लोग, जो हरम के अब उसको बोलते हैं क्या, जमरात, जमरतुल उला, जमरतुल सानिया, जमरतुल सालिसा, जमरतुल सुगरा, जमरतुल उस्ता, जमरा अल अकबा, बड़ा जमरा है ना। पहले दिन दसवीं तारीख को किसकी रमी होगी, सिर्फ जमरे अकबा की, उसके बाद में तीनों दिन किसकी रमी करनी है, तीनों की तरतीब से करना है। आप मीना से आ रहे हैं, मीना में मुकीम है आप, पहले छोटे की कीजिए, फिर मिडिल की कीजिए, फिर बड़े की कीजिए, ये तरतीब फर्ज है। ऐसा नहीं अरे उधर भीड़ का पहले वहां मान लेते हैं, फिर बीच में आएंगे, फिर मारे, फिर निकल जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा सब, फर्ज छूट जाएगा। फर्ज छूटेगा क्या करना पड़ेगा, आपको फिदिया देना पड़ेगा, मुरत्तबन तरतीब के साथ। अलहलकु छठा फर्ज, अलहलकु अभी तकसीर, अगर आपने जबरे कुबरा की रमी कर ली, कुर्बानी कर दी, या कुर्बानी नहीं भी की, क्या करना है, सर मुंडाना है या बाल छोटा कराना है, हलक कहते किसको, उस तरह फिराने को, तकसीर किसे कहते हैं, बाल छोटा करना, चाहे इतना छोटा करे चाहे एकदम छोटा करे कोई दिक्कत नहीं, कसर करना है ना। لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا, ये बात गर्चे उम्रे की है, لتدخلون المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا, सिर्फ फतह के अंदर है ना। लेकिन जो है यहां पर हल्क और कसर दोनों फराइज हैं, आप चाहे हल्क करें इख्तियारी है, चाहे हल्क करें चाहे क्या करें आप कसर करें, लेकिन हल्क अफजल है। अल्लाह ने क्या कहा, रहिम अल्लाहुल मुहल्लिकीन, रहिम अल्लाहुल मुहल्लिकीन, रहिम अल्लाहुल मुहल्लिकीन, قالوا المقصرين يا رسول الله قال المقصرين, आपने कहा अल्लाह ताला हल्क कराने वालों पर रहम करे, हल्क करने वालों पर अल्लाह ताला रहम करे। लोग जब सुनते सुनते थक के तीन तीन बार कहने के लिए दुआ, अल्लाह मुकसरीन के लिए भी कर दीजिए, कहा वल मुकसरीन, अल्लाह मुकसरीन में बने। तो अफजल क्या है,
कसर नहीं किया, आज में क्या किया आपने, सर मुड़ाया, हलक किया, और इसी का आपने क्या किया, हुक्म दिया। सातवां फरीजा है तवाफुल विदा लगैर हाइद व नफसा, तवाफे विदा, तवाफे विदा या तवाफे ज़ियारा, तवाफे फ़ाज़ा नहीं, तवाफे विदा वो तवाफ जो आपका बैतुल्लाह से ताल्लुक जाहिर करता है। हरम में आप पहले आए, सबसे पहले आपने तवाफ किया, गर्चे वो आपके हज का या उमरे का तवाफ रहा, लेकिन वो तवाफे ज़ियारा है। तो तवाफे विदा भी आप हरम के अंदर है, हरम के अंदर सबसे मुअज्जज क्या है, खाने काबा है, आप अखीर अखीर में तवाफे विदा करें, दो रकात तवाफ की पढ़ें और निकल जाए आप। ये आपका ताल्लुक उस हरम से कायम रखेगा, उसकी अजमत आपके दिल में रहेगी, है ना, इसको तवाफे विदा कर। लेकिन ये हैजा औरतों और नफास वाले औरतों के लिए नहीं है। हदीस इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुआ, امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت, عبداللہ بن عباس کہتے ہیں لوگوں کو حکم دیا گیا کہ ان کا آخری تعلق کس کے ساتھ رہے, بیت اللہ کے ساتھ رہے, یہ الا انه خفف عن المراه الحائض, مگر کہ اس کی تخفیف کر دی گئی, کس سے, حائض عورت سے, اور نفاس والی عورت بھی اسی میں کیا ہے, شامل ہے. فمن ترك واجبا من هذه الواجبات आमिदन और नासियन, तो जो इन वाजिबात में से किसी वाजिब को छोड़ देगा जान बूझ करके या भूल करके, जब आ रहा हूं बेदमी व सहाजू, हर एक गलती पर एकदम क्या करेगा, वो देगा उसकी भरपाई, जब आ रहा हूं जबर आदमी जबर बनाता है पट्टी बांध देना, सपोर्ट कर देगा उसको, पट्टी क्या सपोर्ट है ना, उसकी सपोर्टिंग करेगा किससे, दम दे करके, दम क्या बकरी का, है ना, और अगर ऊंट का देता है तो मुकम्मल ऊंट, दम में मुकम्मल जान है, उसमें हिस्से नहीं होंगे, कभी सात लोग गलती किए चलो एक ऊंट ले ले और उसको दम दीजिए। वसा हज हो, और हज क्या हो जाएगा इस सूरत में, उसका सही हो जाएगा। लिमा सबा था अन इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु मा अन्हु काल, मतलब अब्बास की रिवायत है, आपने इरशाद फरमाया من نسي من نسكه شيئا او تركه فليريق دما, جو شخص اپنے قربانیوں میں سے یا اپنے حج کے ادا کیا بولتے ہیں واجبات میں سے, یا نسک کی طرح واجبات کریں گے, اپنے حج کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھول جائے یا اس کو چھوڑ دے, بھول جانا کیسا ہوتا ہے, نسیان, اور چھوڑنا کیسے ہوتا ہے, عمدن, फल यूरिक दमन, अराका यूरिक इराका, तो बहाना, वो एक खून बहाएगा, यानी एक जान क्या करेगा फिदिये में देगा, एक गलती पर मैंने कहा एक गलती पर एक जान, है ना। वमा सिवा मा ज़ुकिरा मिनल आमाल फहुवा सुन्ना, इसके अलावा जो आमाल जिक्र किए जाते हैं वो सब क्या है, सुन्नत है। वही वमिन अहम हाज़िहि सुन्नत, और हज की अहम सुन्नतों में से चंद सुन्नतें आपके सामने हैं, मैं चाहता हूँ उसको भी बयान कर दिया गया ताकि जो है क्या बोलते वक्त पर खत्म हो जाए। नंबर एक, अल इग्तिसाल लिल इहराम व ततय्युब व लुब्स सौबैनी अबयदैन, कहते हैं इहराम के लिए गुस्ल करना सुन्नत मुस्तहब्बा है, फर्ज नहीं है, रुक्न नहीं है। इहराम के वक्त खुशबू लगाना, इहराम के बाद नहीं, इहराम की नियत करने से पहले पहले, एहराम का गुस्ल करने के बाद, एहराम पहनने के बाद खुशबू लगाना मसनून है। कपड़े के बारे में कुछ है थे? कपड़े कैसे हैं? वलुक सोबाई ने भी ऐसे दो सफेद कपड़े पहना, कौन से कपड़े, जो सिले हुए ना हो, सिले हुए कपड़ों की ममानियत है ना, गोया मर्दों के लिए दो चादर है, औरतें क्या करेंगी, अपने आम लिबास में रहेंगे। हमारे क्या करते औरतों को भी सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं, सफेद रुमाल लगाया जाता है ना, एहराम का अलग से एक स्कार्फ लगाया जाता है, फजूलियात है सर, औरत अपने सादे कपड़े वगैरह है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वही पहन सकती है, पहन सकते उसको घर में, उनके मसला नहीं, क्या वो चादर पहनेगी क्या, बेपर्दगी होगी अल्लाह के बंदे, सिर्फ आग दिखे उसको लगा सकती है, चेहरे को वहां ढपेगी जहां पर गैर महरम हो, वो भी चादर से, नकाब नहीं लगाएगी,
आजकल तो इतनी भीड़ होती है हर जगह। हाँ तो कर लगा सकते हैं, नो क्या बोलते हो, चादर बारीक चादर डाल सकते हैं, दिखाई पड़े और चेहरा ढपा रहे, है ना, पतला वाला जिन्हें, क्योंकि अल्लाह के रसूल साहब की अजान मुतारा साबित है। हम लोग तवाफ करते थे चेहरे को खोल करके, जब बगल से महारिम का गुजर होता तो क्या करते थे, हमें चेहरे को ढाप दिया करते थे। कौन सा, अगर बात जईफ कहते हैं तो बहुत से लोगों ने याद दिए चेहरे को, तो शुमार ही नहीं किया उसने, किसमें, पर्दे में, चेहरे और हथेले को पर्दे में शामिल नहीं किया बहुत से लोगों ने, है ना। लेकिन अवला क्या है, शामिल है, अगर शामिल है तो क्या करना है आपको, एहतियात करना है, हाँ जी, उसका हुक्म रहेगा। नकाब की ममानियत है, नकाब का है तो उस कपड़े को जो ऊपर से टोपी की शक्ल में नीचे तक आए, सिर्फ आँख के पास क्या हो, सुराख हो, उसकी ममानियत है। कुफाजैन पहनने की ममानियत है, दस्ताने पहनने की ममानियत है। दूसरी सुन्नत है तकलीमुल अज़ाफिर व अख्ज़ शार अल आनति वल इबिती व क़स्द अश्शारिबी व मा यलज़िमु अख्ज़ुहू, नाखूनों को तराश लेना, अज़ाफिर नाखूनों को क्या करना, तराश लेना, व अख्ज़ शार अल आनति वल इबित, ज़ेरे नाफ के और बगल के बालों को साफ कर लेना, व क़स्द अश्शारिब, मूंछों को छोटा कर लेना, वमा यलज़िमु अख्ज़ुहू, और जिन बालों को काटना जरूरी है उनको काट देना क्या है, मसनून और मुस्तहब है। तवाफुल कुदूम लिल्मुफ्रदी वल क़ारिन, लिल्मुफ्रदी वल क़ारिन, अगर आदमी हज इफ़राद कर रहा है या हज क़िरान कर रहा है, दोनों के लिए क्या करना है, तवाफ कुदूम करना है, तवाफ कुदूम आने वाला तवाफ, गर्चे आपको तवाफ इफ़ादा फिर करना पड़ेगा, है ना, लेकिन पहुंचने के बाद क्या करना आपको, और क़ारिन और क्या बोलते हैं मुफरिद, मुफरिद यानी हज इफ़राद करने वाला, ये दोनों आपको मालूम है कि अपने एहराम को खोलेंगे नहीं जब तक हज मुकम्मल नहीं हो जाएगा, ये क्या करेंगे, तवाफे कुदूम करेंगे, तवाफे इस्तकबाल ये करेंगे, है ना। अर्रमुल फिस सलासतिल अश्वातिल उला, तवाफ करने में पहले तीन चक्कर में रमल करना, मिन तवाफिल कुदूम, रमल यानी दुल की चाल चलना, छोटे छोटे कदम से थोड़ा अकड़ करके चलना, क्या कहता है उसको, रबल, रबल कहा जाता है दुल की चाल, अकड़ करके दुल की चाल, दुल की चाल कहा जाता है थोड़े कदम रहेगी सीना आपका तना रहे आप इस तरह चलेंगे, है ना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब करवाया था, जब उमरतुल कजा किया था, उमरतुल कजा जब किया तो तंज कर रहे थे, बोले क्या बोलते हैं, मदीने के बुखार ने क्या किया इनको, बोले कमजोर कर दिया, अल्लाह रसूल का पहले तीन तवाफ में क्या करना, अकड़ के चलना, तवाफ करना, ताकि इनको लगे कि बहुत दमदार है अभी तो, है ना, तो अल्लाह ये सुन्नत हो गई, है ना। उसके बाद में अल इस्तेबा फी तवाफिल कुदूम, तवाफ कुदूम में इस्तेबा करना, इस्तेबा क्या है, वह जाला वस्तर रिदाई तात आतिकिल अयमन, चादर को क्या करे वो, इस्तेबा क्या है, इस्तेबा ये मोतबिर क्या करता है, अमूमन पूरी हाजी ऐसे रहता है, नमाज पढ़ेगा तो ऐसे रहेगा, रफोतर कहकर उठाएगा, है ना, लेकिन अगर तवाफ कुदूम कर रहा है क्या कर रहा है, इस्तेमा करेगा पूरे सात चक्कर में, तीन में क्या करना है, रमल, तीन में पूरे सातों चक्कर में इस तरीके रहेगा, दाहिने कंधे को खोल देगा, ये चादर हमारी बाएं कंधे के ऊपर है, दाहिने कंधे को खोल देगा, नीचे से लेकर क्या आएगा, बाएं कंधे को उसको बिठा लेगा, ये दाया कंधा क्या रहेगा उसका, खुला हुआ रहेगा, कितने किसमें, पूरे तवाब में, पूरे तवाफ कुदूम के सातों चक्कर में, ये है इस्तेबा, ये शक्ल है, मेरे ख्याल से जो लोग ऑनलाइन होंगे भी देख लेंगे कि इस्तेबा ये है, है ना। तो ये क्या बोलते हैं, शक्ल याद रहे, ये इस्तेबा कब रहेगा, सिर्फ तवाफ कुदूम में, और इस्तेबा करने वाले गलती करते हैं, कैसी इस्तेबा की हालत में नमाज भी पढ़ लेते हैं, जायज नहीं है, क्योंकि दोनों कंधा ढांपना नमाज में क्या है, जरूरी है ये, तो ये है इस्तेमा की शक्ल। कहते हैं चादर का दरमियाना हिस्सा अपने दाएं कंधे के नीचे कर ले, वह तरफ़ई अला आतिकिल अयसर, और उसका दोनों किनारा कहां रहे, उसके कंधे के बाएं कंधे के ऊपर रहे, बाया कंधे से दोनों किनारे से ढपा रहे, और चादर नीचे से आए बगल से, दाएं कंधा उसका खुला हुआ रहे, जैसे मैंने बतलाया है। छठा है अल मबीतु बिमिना लैलत अरफा,
अरफा की रात मीना में क्या करना, रात गुजारना, 9 तारीख को अरफा जाना है। हाजी लोग कब पहुंच जाते हैं मीना, 8 तारीख को। 8 तारीख को कौन से दिन कहा जाता है, यौम तरविया, 8 तारीख से शुरू हो जाता है। कहा जाते हैं मीना में जाते हैं, फिर रात गुजारते हैं, फिर वहां से कुछ करते कहां के लिए, अरफा के लिए। अगर कोई नहीं गुजारा तो सुन्नत छूटा, उसका रुकन नहीं छूटा, सुन्नत छूटी है। अगर हाजी 9 तारीख को आ रहा है और डायरेक्ट कहां चला जा रहा है, अरफा में, तो तवाफे कुदूक करेगा और कहां चला जाएगा, वो अरफा में चला जाएगा। उसका हज सही होगा, मुकम्मल होगा, कोई फिदिया उसको देना नहीं होगा। अत्तल्बियतु मिन हीनिल इहराम इला रमी जमरतिल अक्बा, जब से एहराम बांधा है, जब तक एहराम नहीं खुलता है तब तक क्या करना है, तल्बिया पुकारना है। अगर एहराम बांधने वाला मुफरीद है, एहराम बांधने वाला कारीन है, एहराम नहीं खुला है, तल्बिया पुकार, अल्लाहु लब्बैक अल्लाहु लब्बैक, या तभी भी मुज़दलिफा में, तभी भी मुज़दलिफा से वापस आ रहा, तभी भी, जब तक जबरे अकबा की 10वीं तारीख को रमी नहीं कर लेगा, तब तक बड़े जबरा की जब तक रमी नहीं कर लेगा 10वीं तारीख को, तब तक तल्बिया क्या करेगा, वो पुकारता रहेगा। उसके बाद में अल जमउ बैन अल मगरिबी वल इशाई बे मुज़दलिफा तक़दीमन, मुज़दलिफा में क्या करेगा, मगरिब और इशा की जमा तक़दीम करेगा। अगर पहले पहुंच जाता है तो ये सुन्नत है, वरना क्या होगा, जमा ताखिर हो जाएगी उसकी, है ना। अगर पहले पहुंच जाता है, आजकल इस दाम के जैसे मुमकिन नहीं, अल्लाह के जो काफिले आगे हो और वो फौरन निकले हैं तो आगे पहुंच जाते हैं तो जमा तक़दीम कर सकते हैं, मगरिब पढ़ लेंगे, ईशा पढ़ लेंगे, सो जाएंगे आराम से लंबी रात, है ना। हम लोग तो पैदल जाते थे, जो है मैं 3 बार तो आज किया हूँ, 3 बार तो पैदल गए, तो पैदल जाते थे उमूमन 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात में, कहाँ पहुँच रहे हैं, मुज़दलिफा, भीड़ है, इज्तिहाम चल नहीं पाते हैं, पैदल चलने वाली भीड़ है, आप भागना चाहे भाग नहीं सकते हैं, इतना इज्तिहाम है। सुकून से चलना, किसी को तकलीफ नहीं देना है। 10 बजे पहुँच रहे, 11 बजे पहुँच रहे, मगरिब पढ़े, ईशा पढ़े और उसी का बेड बनाए, रेत का चादर चटाई डाले, सो के तान के, सुबह फजर में नींद खुलती थी।